हाय फ्रेंड, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक दानव और एक प्यारी सी बच्ची की। तो चलो कहानी की तरफ चलते हैं। तो एक बच्ची होती है जिससे कि एक बीमारी होती है ना सोने की, तो वो रात भर जागती है और वो थोड़ा ही मतलब 10 से 15 मिनट ही सोती है, उसी में ही नींद पूरी होती है। तो फिर वो रात को जगती है तो वो पूरे अनाथ आश्रम में घूमती है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होते हैं तो वो अनाथ आश्रम में रहती है। तो फिर यहाँ पे वो पूरे रात भर पूरे उसमें अनाथ आश्रम में घूमती है, वो देखती है। तो वो हम सब बच्चे उससे एक बात बोलते हैं कि मतलब थैला वाले एक झोली वाले बाबा आते हैं रात को और बच्चों को ले जाते हैं अपने साथ और फिर वो उन्हें मार के खा जाते हैं। तो फिर वो बोलती है कि रात के 12 बजे नहीं, रात के 3 बजे आते हैं वो। तो वो देखती है कि वो दानव यहाँ पे दिखेगा या फिर वहाँ पे दिखेगा। तो वो सोचती है, तभी जो बिल्लियाँ हो तभी उसे आवाज़ आती है। जो बिल्लियाँ होती हैं वो डस्टबिन के अंदर से कुछ खा रही होती है, वो डस्टबिन को गिरा देती हैं, जिससे कि एक बड़ा सा हाथ आता है और वो उस डस्टबिन को उठा के उसके ढक्कन को लगा के उसी जगह पे उसे सेट कर देता है, जिससे कि वो देखती है और काफ़ी डर जाती है। फिर वो अपने बिस्तर में जाके छुप जाती है। जब वो दानव जैसे वो बच्चों को मतलब सपने देता है, वो मतलब सपनों की दुनिया से लाके और वो सपने बच्चों को सपने डालता है उनके माइंड में, उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाता है। तो फिर वो एकदम जब उसे देखती है फिर छुप छुप के, तो वो दानव क्या है उस बच्चे को देख लेता है, फिर वो अपने साथ ले जाता है उसे बहुत दूर, सात समुंदर पार, जहाँ पे कोई इंसान कभी नहीं जा सकता। तो वो उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। तो फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे देख लिया है, अगर तुम अगर किसी को बता दोगे तो इस दानव दुनिया में और लोग आ सकते हैं, जिससे कि हम सब दानवों को मार देंगे। तो फिर वो बोलती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मुझे छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है दानव के, नहीं मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो बोलता है, चलो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं। तो वो उसे एक फ्राई पैन पे रख देता है। वो पूछती है उससे कि आप मुझे खाओगे क्या। तो फिर वो बोलता है, नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ कक्कड़ भुजा एक सब्जी होती है वो उसे खाता है। तो फिर यहाँ पे देखा जाता है कि एक दानव आता है। तो वो बोलता है, उसे चिरकुट नाम से बोलते हैं, और दानव जो होते हैं वो काफ़ी विशाल बड़े होते हैं। तो जो वो दानव होता है जिससे वो चिरकुट चिरकुट जो उस बच्चे को लेके आया था, तो हमेशा उनसे चिरकुट बोलते थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे उन दानवों से, काफ़ी छोटे। तो फिर वो जो दानव होता है तो फिर वो बोलता है कि मेरी पट्टी कर दो, मेरे हाथ पे चोट लगी है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी करता हूँ पट्टी। तो जैसे वो पट्टी करने वाला होता है तभी उस दूसरे दानव को खुशबू आ जाती है किसी इंसान की। तो फिर वो बोलता है कि उनसे बोलता है जो दूसरा दानव होता है जो उस बच्ची को लाया होता है, तो फिर वो बोलता है कि तुम किसी इंसान को लेके आए हो। तो वो बोलता है, नहीं मेरे यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, मैं किसी भी इंसान को नहीं लेके आया हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो चिरकुट। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उस टाइम पे उसे छोड़ देता है और चला जाता है। तो फिर वो देखता है, फिर वो उस लड़की से बोलता है कि ये मतलब वो लड़की पूछती है कि ये कौन थे। तो ये दानव थे, ये इंसानों को खाते हैं और गलती से भी तुमने बाहर जाने की कोशिश की, वो ये तुम्हें खा जाएंगे। तो फिर वो बोलती है, फिर वो डर जाती है, फिर वो बोलती है तुम मुझे छोड़ आओ। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये दानव रात में कम सोते हैं और दिन में ज़्यादा। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे छोड़ के आओ, मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे। तो फिर वो कहीं जा रहा होता है तो वो लड़की पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ। तो वो एक बड़ी सी नाव पे रख देता है उसे और वो वहीं पे सोने के लिए उसका
बिस्तर लगा के उसे वहीं पे सोने की बोल देता है। तो फिर वो वहीं पे उसी नाव के नीचे सो जाता है। तो फिर वो लड़की उसे देखती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती है रात को। तो फिर वो उसे देखती है काफ़ी देर कि इतना विशाल बड़ा दानव, उससे भी बड़ा दानव। तो फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। तो एक बार वो जो दानव होता है उसे एक सपना देता है, जो हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उसके लिए। वो देखती है कि वो निकलने की कोशिश करती है, तो देखा जाता है कि और दानव उससे घेर लेते हैं चारों तरफ से। वो बचने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो दानव उसे पकड़ लेता है, वो खा जाता है उसे, वो उसे कच्चे निगल जाता है। तो वो सपना होता है, तो वो जैसे ही जगती है फिर वो उसे देखती है सामने से। तब वो बोलती है कि हो, मैं तो डर गई, मुझे तो कभी सपने नहीं आते। तो जो वो चिरकुट था, जो वो दानव था जो उस बच्ची को लेके आया था, उसने एक बुक लेके आया था वहीं से, इंसानों की दुनिया से वो एक बुक लेके आया था। वो बुक पढ़ने लगा और वो बच्ची जो है सो गई। तब उसने देखा ये बच्ची सो गई है, तो मैं इसे एक डरावना सपना देता हूँ जिससे कि ये कभी भागने की कोशिश ना करे। तो फिर वो उसे सपना देता और वो काफ़ी भी डर जाती है। और फिर वो पूछती है कि ये तो सपना था। तो उसने बोला, हाँ मैंने ये तुम्हें सपना इसलिए दिया, अगर तुम कभी भी भागने की कोशिश ना करो, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो ये दानव तुम्हें पकड़ के खा जाएंगे, कच्चा निगल जाएंगे। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। तो फिर वो दूसरे दिन कहीं जा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करती है कि मैं भी जाऊँगी। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो और मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता उधर। तो देखा जाता है कि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा ज़िद करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली होता है वो दानव। तो वो उसे ले जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़िद करती है। तो देखते हैं कि काफ़ी सुंदर एक विशाल बड़ा पेड़ होता है, तो उसमें कई तरह की लाइट्स से होती हैं, जो ब्लू, रेड और येलो में, मतलब ग्रीन, ऐसी बहुत सारी लाइटें होती हैं पूरे पेड़ पे। तो वो जो लाइटें होती हैं वो सपने होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और काफ़ी बुरे भी। तो वो जो अच्छे अच्छे सपने, वो उस पर से सपने टपकते हैं, तो वो सपने अब समेटता है, और वो बच्ची भी टपकते हुए सपनों को अपने एक जार में बंद कर लेते हैं, जिसमें से अच्छे अच्छे सपने, वो फिर से इंसानों की दुनिया में जाता है और वो इंसानों की दुनिया में बच्चों को अच्छे अच्छे सपने देता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो इसलिए वो इंसानों को अच्छे अच्छे सपने देते हैं, ताकि इन सब चीज़ों से उभर के वो अपने सपने को मतलब अच्छा देखते हैं, तो उन्हें पूरा करने की भी सोचते हैं, तो वो इसलिए उन्हें अच्छे अच्छे सपने देता है। तो फिर वो लड़की पूछती है कि आप मैं ये सपने क्यों देती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें, जैसे कि वो ज़रा सा भी अगर कोई सा भी गलत सपना देख लें तो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे कि माँ बाप को भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं अच्छे अच्छे सपने बटोर के मैं उन बच्चों को देता हूँ। तो फिर बोलते हैं, अच्छा कि आप नहीं सोते। तो बोलते हैं, हाँ मैं सोता हूँ, लेकिन इतनी देर नहीं, सिर्फ 1 या आधा घंटा। तो फिर वो बोलती है अच्छा। तो फिर वो वहाँ से जाने की उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन एक बार जब चिरकुट जा रहा होता है तो वो देखता है कि मतलब जो दानव हैं वो दोबारा से आते हैं उनके उसके पास। तो फिर वो ज़िद करती है कि मुझे मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ। तो वो उसे चिरकुट वहाँ पे उसकी ज़िद पे फिर नहीं छोड़ता, फिर वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है, दानवों की दुनिया में फिर दोबारा से। तो फिर वो फिर दूसरा दानव आता है, फिर वो देख लेता है उसका जो ब्लैंकेट होता है उस लड़की का, उस बच्ची का। तो वो ब्लैंकेट को और दानव देख लेते हैं, और वो उसे लेके घूमते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान आए, यहाँ पे कोई इंसान आए। तो फिर वो दूसरे दानव से पूछते हैं, जो उसके साथ बच्ची होती है। तो फिर वो पूछता है कि तब फिर वो और दानव उस ब्लैंकेट को लेके सारी जगह घूमते हैं। तो फिर वो जो वो आता है दूसरा दानव वो बच्ची को लेके, लेकिन वो छुपा लेता है उसे,
अपने साथ, क्योंकि इस बार वो देख लेता है कि दानवों के पास ही ब्लैंकेट होती है, तो फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बोलता है कि काश मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ के आता, लेकिन तुम जो है ज़िद कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। तो फिर वो देखता है, फिर वो क्या कहता है, फिर वो वापस चला जाता है, फिर वो वापस ही उसे छोड़ देता है कि बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता और तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो फिर वो ज़िद करती है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, मुझे आपके साथ ही जाना है। तो फिर वो जो दानव होता है उसे ले जाता है, फिर भी दूसरी बार भी फिर उसे ले जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही होती है, तो उसे ले जाता है। तो वो छुपा के ले जाता है उसे सारी जगह से, उसे में उल्टा करके उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं दूसरे दानव, काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं उन्हें। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई इंसान नहीं है। और फिर वो जो मौका देख के वो छुप जाती है। फिर वो अपने घर पे जाता है, तो फिर वो वहाँ पे फिर दोबारा से आते हैं दानव, और फिर वो बोलते हैं कि वो इंसानी बच्चे कहाँ हैं। तो फिर वो देखता है कि वो सारी जगह घूमते हैं, सब पूरे रूम में देखते हैं, पूरे घर में देखते हैं, तो उसे कहीं नहीं मिलता है। जो उसके जो कक्कड़ भुजा जो होता है ना एक सब्जी, तो उसमें जाके वो घुस जाती है, उसी के अंदर छुप जाती है। तो फिर वो उस कक्कड़ भुजे में से दूसरे दानव को कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है। फिर वो बोलता है, जो दूसरा दानव होता है जो बच्ची को लेके आया होता है, तो वो बोलता है कि तुम्हें तो ये सब्जी पसंद नहीं है, तो तुम्हें इसलिए अजीब स्मेल आती है हमेशा से। तो बोलता है कि हाँ, मुझे ये सब्जी नहीं पसंद, और फिर वो उसे फेंक के चला जाता है, और जिससे कि वो बच जाती है। तो फिर यहाँ पे देखा जाता है कि जो लड़की होती है, तो वो उससे बोलती है कि इन्हें सपना दो बहुत ज़्यादा खराब, जिससे कि इन्हें पछतावा हो। तो वो 9 दानव होते हैं जो इंसानों को खाते हैं, ये 10वां दानव होता है जो अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं इन्हें ऐसा सपना दूंगा। तब वो एक दानव को, मतलब सारे दानवों को वो एक सब मतलब एक एक सपना देता है, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा पछतावे वाला सपना होता है, कि जब जितने भी उन्होंने इंसान खाए, कि वो उन्होंने कितना ज़्यादा गलत किया, कितना ज़्यादा बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा पछतावे वाला होता है। तो वो क्या है कि जो सपना देने वाला, जो उनके पास जो वो रहता है डिवाइस रहता है, तो वो वहीं पे दुनिया में, इंसानी वाली दुनिया में भूल जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं सपने ऐसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो जो यंत्र है जो सपने देता है, जो सपने भेजता है लोगों के दिमागों में, वो यंत्र यहाँ पे नहीं है, वो इंसानी दुनिया में ही रह गया है मेरे हाथों। तो फिर वो लड़की जाती है, फिर वो जार लेके जाती है, तो जो वो है ना दानवों के सामने, फिर वो उसे फोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ने की कोशिश करती है। तो जैसे एक दानव जग जाता है, बाकी के दानव सोए रहते हैं, तो वो तोड़ देती है, और बाकी के दानव वो सोए रह जाते हैं, उनके दिमाग में सपना चला जाता है, लेकिन एक दानव के दिमाग में सपना नहीं जाता है, कि जिससे कि फिर वो उस बच्ची पे हमला करता है। लेकिन जो दूसरा दानव होता है जो बच्ची को लेके आया होता है, वो उसे तुरंत मौका देख के उसे छुड़ा के ले जाता है, और वो उसे बचा लेता है। तो जब भी दूसरी तरफ देखते हैं कि हम यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। ओके, बाय।